नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करते हैं कि टैक्स सेविंग कैसे की जाए। दोस्तों इंडिया में जो है वो अभी फिलहाल 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर इनकम जो है आय जो है वो 5 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो दोस्तों उस पर जो है टैक्स लगता है। तो दोस्तों टैक्स स्लैब फिलहाल जो टैक्स स्लैब हैं वो इस प्रकार हैं कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, वो 2.5 लाख से अगर 5 लाख इनकम है तो 5% टैक्स है, और 5 लाख से 7.5 लाख तक की इनकम है तो 10% टैक्स है दोस्तों, और 7.5% लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो 15% जो है टैक्स लगता है, और 10 लाख से 12.5 लाख तक की इनकम है तो दोस्तों 20% टैक्स लगता है, और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम है तो दोस्तों उस पर 25% जो है टैक्स लगता है, लेकिन अगर 15 लाख से ऊपर इनकम है तो दोस्तों हाइयर टैक्स लगता है जो 30% होता है दोस्तों। लेकिन 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन सरकार ने सेक्शन 87A के तहत जो है ऐसा प्रावधान किया है, अगर किसी का टैक्स जो है 12,500 बनता है या उससे कम बनता है तो वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाता है, और दोस्तों 12,500 जो है वो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर बनता है, इसीलिए 2.5 लाख होते हुए भी जो है 5 लाख रुपए तक की इनकम जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता दोस्तों। और दोस्तों अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो इस 5 लाख के अलावा 50,000 रुपये जो है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मतलब उसकी 5.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता दोस्तों। इसके अलावा जो है अगर किसी का एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है, दोस्तों एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो 12% कटता है, और 12% ही जितना आपका कटता है उतना ही आपका एम्प्लॉयर देता है, तो लेकिन दोस्तों जो आपका हिस्सा है 12% उससे टैक्स बचाया जा सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। और दोस्तों इस ईपीएफ के अलावा जो वीपीएफ है, वीपीएफ का मतलब दोस्तों अगर जो आपका ईपीएफ कटता है 12% उसके अतिरिक्त अगर आप प्रोविडेंट फंड कटवाते हो तो उससे भी टैक्स छूट ली जा सकती है, उसको वीपीएफ बोलते हैं। और दोस्तों ईपीएफ वीपीएफ के बाद नंबर आता है पीपीएफ का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 80C के तहत जो है 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट जो है आप उस पर ले सकते हो। और दोस्तों इनके अलावा जो है अगर कोई आपका लाइफ इंश्योरेंस है उस पर भी 1.5 लाख रुपए की छूट पा सकते हो, और दोस्तों अगर कोई आपका न्यू पेंशन स्कीम में अकाउंट है तो दोस्तों जो है उस पर भी आप जो है टैक्स छूट पा सकते हो। दोस्तों अगर आपका कोई ELSS है, ELSS का मतलब होता है दोस्तों इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, दोस्तों ये एक तरह से म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड कहा जाता है, उस पर भी जो है टैक्स छूट ली जा सकती है। दोस्तों अगर आपका होम लोन है और एक साल में जो है एक फाइनेंशियल ईयर में जो आप प्रिंसिपल पे करते हो तो 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है, और दोस्तों 24 के सेक्शन 24 के तहत जो है 2 लाख रुपए तक की जो साल में एक वित्तीय वर्ष में आप ब्याज भरते हो उस पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप घर खरीदते हो तो जो आप स्टैम्प चार्ज लगता है आप पे और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है उस पर भी टैक्स छूट होती है दोस्तों। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करती हैं, और उस पर भी जो है अगर बॉन्ड आपके पास है तो उस पर भी जो है टैक्स बचाया जा सकता है दोस्तों। और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के अलावा टैक्स सेवर FD बनती है बैंकों में जो 5 साल के लिए बनती हैं दोस्तों, उस पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाया जा सकता है। और दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे 5 साल के लिए POTD खुलते हैं, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, ये भी फिक्स डिपॉजिट की तरह होते हैं और इससे भी टैक्स बचाया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि दोस्तों अगर 10 साल की
बालिका है, बेटी है तो उसका अकाउंट खुलता है, तो दोस्तों उस पर भी जो है टैक्स बचाया जा सकता है। और दोस्तों सुकन्या समृद्धि के तहत जो है 80C के तहत आप टैक्स रिबेट ले सकते हो। उसके अलावा NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, दोस्तों ये सर्टिफिकेट जो है 100 रुपये से लेकर 10,000 की वैल्यू तक जो है इशू किए जा सकते हैं। और दोस्तों जो आप NSE इशू करवाते हो वो भी जो है टैक्स फ्री होते हैं। और दोस्तों NSE के अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, दोस्तों ये भी बैंकों में जो है, ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये भी FD की तरह खाते खुलते हैं, लेकिन ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होते हैं। दोस्तों ये भी टैक्स फ्री होते हैं, इस पर भी जो ब्याज मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। दोस्तों अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उस पर जो ट्यूशन फीस लगती है वो भी टैक्स छूट में आते हैं। और दोस्तों उसके अलावा अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो जो HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, उस पर भी टैक्स छूट जो है मिलती है। दोस्तों उसके अलावा अगर आप किसी कंपनी में या कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हो और आपको मोबाइल या इंटरनेट बिल का मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है, लेकिन दोस्तों वो पोस्ट पेड बिल होना चाहिए। और दोस्तों उसके अलावा जो है अगर आपने कोई मेडिकल रिम्बर्समेंट लिया है, कोई ऐसा दवाओं पे खर्चा किया है और अपनी कंपनी से अपने डिपार्टमेंट से उसका क्लेम किया है, उस पर भी जो है टैक्स नहीं लगता है। दोस्तों इसके अलावा जो कंपनी आपको जो है, सरकारी विभाग आपको जो है 4 साल में 2 बार बाहर घूमने का मौका देती है, जिसको LTA या LFC बोलते हैं, दोस्तों उस पर भी जो है टैक्स नहीं लगता। दोस्तों जो आपकी कंपनी है या आपका डिपार्टमेंट है अगर वो आपको न्यूज़पेपर का पैसा देता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। दोस्तों अगर आपकी कंपनी, आपका सरकारी विभाग जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस देता है उस पर भी जो है टैक्स नहीं लगता। उसके अलावा दोस्तों आप जो है अपने डिपार्टमेंट से जो है वो हर महीने कन्वेंस चार्ज लेते हो, जो आप घर से ऑफिस जाते हो और उसमें जो आपका खर्चा लगता है वो भी टैक्स फ्री होता है। और दोस्तों उसके अलावा अगर आप अपने ऑफिस के काम से कहीं बाहर जा रहे हो और आपको जो ट्रैवल अलाउंस मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं उस पर भी टैक्स नहीं मिलता और लगता। और दोस्तों जो बचत खाता है उस पर भी 10,000 रुपये तक का ब्याज जो है वो 80TTA के तहत जो है टैक्स फ्री है, और 10,000 से ऊपर जो ब्याज मिलता है उस पर जो है टैक्स लगता है। और अगर सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों 50,000 से ऊपर जो है 80TTB के तहत जो है टैक्स छूट मिलती है। और दोस्तों अगर किसी का NRI सेविंग अकाउंट है, या दोस्तों ये कह सकते हैं कि किसी का बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट है, तो अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 से ऊपर जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स लगेगा। 40,000 तक का ब्याज जो है टैक्स फ्री होता है। और दोस्तों अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का टैक्स जो है वो टैक्स फ्री होता है, जो ब्याज होता है वो टैक्स फ्री होता है। दोस्तों उसके अलावा अगर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और उसमें 80D के तहत जो है आपको जो उसका प्रीमियम जो पे करते हो, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 25,000 रुपये जो है उस पर जो प्रीमियम 25,000 रुपये तक आप पे करते हो वो टैक्स फ्री होता है। वो सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपये तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस पर जो आप प्रीमियम देते हो वो भी टैक्स फ्री होता है। और अगर दोस्तों कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, उसके उपचार पे जो खर्चा होता है जैसे कि कैंसर, तो उसमें भी जो है सेक्शन DDB के तहत जो है टैक्स छूट ली जा सकती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। और दोस्तों किसी के यहाँ कोई विकलांग है और वो आप पर डिपेंडेंट है तो दोस्तों इस 80D के तहत जो है वो टैक्स छूट मिलती है। और अगर विकलांग स्वयं नौकरी पेशा है तो दोस्तों उसकी जो इनकम है वो 80U के तहत जो है टैक्स फ्री होती है। वो दोस्तों और बच्चों के जो सेविंग अकाउंट खुलता है दोस्तों उस पर अगर 1500 रुपये तक हम जमा करते हैं तो उस पे जो है उस 1500 रुपये प्लस उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर जो है कोई टैक्स नहीं लगता। और दो बच्चे हैं तो दोस्तों 3000 रुपये अगर हम डिपॉजिट करते हैं, दो बच्चे मतलब 1501 तो उस पर भी नहीं लगता, और इस पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं दिया जाता। और दोस्तों अगर आपका कोई एजुकेशन लोन है तो उस पर भी जो इंटरेस्ट लगता है वो भी
जो है टैक्स नहीं लगता, उससे भी टैक्स बचाया जा सकता है। अगर कोई स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंटिटी की हो चाहे प्राइवेट इंटिटी की हो, उस पर भी टैक्स नहीं लगता। और दोस्तों, अगर आपको कोई रॉयल्टी मिलती है या कोई पेटेंट मिलता है लेकिन उसकी वैल्यू 3 लाख रुपये तक हो, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, 80G के तहत अगर आप कोई डोनेशन देते हो, चंदा देते हो, उस पर भी टैक्स बचाया जा सकता है उससे भी। और दोस्तों, अगर आपका होम लोन है और प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप साल में जो पे करते हो, तो 80C के तहत 1.5 लाख रुपए और जो ब्याज आप पे करते हो वो 24 के तहत जो है उससे भी टैक्स बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या वहाँ से रिटायर होते हो या कंपनी छोड़ते हो और आपको ग्रेजुएटी मिलती है, तो 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुएटी जो है टैक्स फ्री होती है। दोस्तों, इसके अलावा जो है LIC का जो इंश्योरेंस होता है, उस पर अगर आपको कोई क्लेम मिलता है या जो मैच्योरिटी मिलती है, उस पर भी टैक्स नहीं लगता दोस्तों, उससे भी टैक्स बचाया जा सकता है। और दोस्तों, अगर आप VRS ले रहे हो, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले रहे हो अपने डिपार्टमेंट से, उस पर जो धनराशि मिलती है उस पर भी टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, अगर विरासत या वसीयत से कोई आपको प्रॉपर्टी मिलती है या फिर कोई कृषि संबंधित आय है, उस पर भी जो है आप जो है टैक्स नहीं लगता, टैक्स बचाया जा सकता है। और दोस्तों, अगर कैपिटल गेन है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप पर बना है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बना है, और उसी तरह की आपने कोई खरीदारी कर ली या परचेज कर लिया, तब भी जो है इनकम टैक्स बचाया जा सकता है। दोस्तों, उसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म है, उस पर कोई प्रॉफिट होता है वो आपको मिलता है, उस पर भी टैक्स नहीं मिलता, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म होती है पहले वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी होती है। और दोस्तों, जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, अगर वो गवर्नमेंट के अनुसार जो है रजिस्टर्ड है, तो उस पर भी जो है टैक्स छूट लिया जा सकता है। तो दोस्तों, इतनी तरह का टैक्स जो है वो ऐसे आप बचा सकते हो। तो दोस्तों, आशा है आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। और अगर ऐसा हुआ है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम विताय नमः। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम विताय नमः। राम राम भाइयों।